तो हेलो गाइस, मैं आज फिर से खेलने वाला हूँ एफएसओला। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ इस हाईवेस्टर का काम। तो गाइस ये हाईवेस्टर क्या काम करती है, तो बहुत सारों को पता नहीं है कि ये इस हाईवेस्टर को परचेस तो कर लेते हैं, बस फिर उसका पता नहीं है कि कैसे इसका क्या काम है, क्या किस पे चल रहा है। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको सबसे पहले आपको ट्रॉली बाय करनी होगी यहाँ से, तो मैंने कर रखी है। जैसे ये कौन सी भी ट्रॉली बाय कर लो, तो उसके पीछे जैसे इसके पीछे लगा लो उसको, इसको देख सकते हो मैंने लगा ली यहाँ पे होगी। और इसको मक्का में चलाओ तो पुट्टी निकालेगी मक्का से। गई वो रही मक्का, फसल पक गई। तो मैं आपको आपको बताने वाला हूँ कि पक गई है, तो इसको पूरी चला के बताना। तो हेलो, तो गाइस अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस, ये इसी तरह अपना चैनल बढ़ेगा गाइस। तो गाइस मैंने ये कर रखी, तो ये स्टार्ट हो गई ये पुट्टी निकलना। तो गाइस वो पुट्टी यहाँ पे बता रही है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी से इस पूरे खेत को ही करना पड़ेगा, कितनी पुट्टी निकलते है देखते हैं। तो गाइस पूरा खेत अभी कट ही गया, वहाँ पे फिनिश होने वाली है। तो गाइस हमारे मक्का की पुट्टी वो 74% बन गई, बड़ी ट्रॉली थी ये भाई, बड़ी ट्रॉली में 74% बन गई गाइस। बहुत अच्छी, बहुत फुल, मतलब अगर इसको भर ले तो बहुत पैसे भी अच्छे ही मिलते हैं, पानी भी मिलता है, तो इससे 3-4 फायदे हैं गाइस अपने। इसको बेच के बताऊँगा गाइस मैं अभी कुछ। मैंने ये पुट्टी पूरी काट ली गाइस, इस पुट्टी को कर दिया हमने फिनिश, 80% हो गई अपनी हाईवेस्टर। तो गाइस अभी 80% हो गई अपनी हाईवेस्टर। तो गाइस जल्दी जल्दी से मैं कार लेके इसको बेचने जाता हूँ। तो गाइस पेट्रोल पंप मैंने घर समझ के रख रखा है गाइस। तो गाइस ये रही अपनी कार, गाइस अपनी कार, ओ भैया ये ट्रेलर भी छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रेलर को छोड़ते हैं। भैया मेरा मन हो रहा था कि इस ट्रेलर में चलते, तो वैसे मेरे फिर मैं जा तो जल्दी जल्दी काम करना है, तो वैसे अपन को इसी से करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बेचने जाना है, लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन पे जाके उसको यहाँ पे ये है इसकी लोकेशन, ये टेंकल और आगे है ना, यहाँ पे जाना है अपन को जल्दी जल्दी से। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर जल्दी जल्दी, शॉर्ट कट कार काटना पड़ेगा। अगर ड्राइवर भी चलाएगा तो भैया 2 दिन लग जाएगा अपन को जाने का। तो इस तरह से पुट्टी बनती है, तो उसको पुट्टी को बेचना पड़ता है। ज़्यादा भाव नहीं होता इस पुट्टी का, मैं बताऊँगा आपको भैया भाव। इसका भाव है 1,546, मतलब मक्की का 2,000 भाव रहता है भाव। अगर अपन मक्की मशीन उस दूसरे हाईवेस्टर से काटे तो उसका 2,000 भाव रहता है, तो भैया इसका 1,000 से आधा। तो गाइस इससे आधा है इसका, तो इससे पानी भी मिलता है। अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, ये आप सामने देख सकते हैं ना, ये इनमें जाएगी ये। तो गाइस सबसे पहले ए में डालते हैं, मतलब पहले में। भैया 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 अरे ट्राली होंगी चक्री जैसी। तो गाइस आ गई यहाँ पे, यहाँ पे भाई क्या हो रहा है। तो मैंने डाल दी पूरी पुट्टी, ये पुट्टी डालना स्टार्ट हो गई, पैसे भी बढ़ रहे हैं, ये पैसे बढ़ रहे हैं भाई। ये पुट्टी होगी अब यहाँ पे, ये टेंकल है इसमें पानी जाएगा, इसमें ये देख सकते हो ये बड़े बड़े क्या लग रहे हैं, इनमें पानी जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये रही है ये टेंकल यहाँ पे। तो वैसे 5% पानी चला गया, अभी 6 हो जाएगा थोड़ी देर में, बस वेट करते हैं 6 होने का। भैया 1, 2, 3, 4 भैया 5, 6, 6, 6, 6, 5 ही 5 ही 6 नहीं हो रहा। तो गाइस चलते हैं। तो इस तरह से आप पुट्टी का पानी खरीद सकते हो। बहुत सारे बोलते हैं कि पानी क्यों नहीं आता है, तो पानी इससे आता है, पुट्टी डालो फिर वहाँ से टैंकर में से पानी ले लो। तो भैया मैं भी करूँगा वो भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो बाय।